नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज की वीडियो में हम अर्बन ऑप्शन लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे एंड इस स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे क्वेरी था हरीश जी का एंड इस स्टॉक का प्राइस में बहुत एक इंटरेस्टिंग सेटअप दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आज हम उसको एनालिसिस करेंगे एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टाइप का चार्ट सेटअप से। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी जो कि है 295 करोड़ के आसपास एंड देखिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ना वो नेगेटिव में चल रहा है एंड सेल्स लगभग फ्लैट है। देखिए किसी भी स्टॉक में मोमेंटम तो नीचे से आ जाता है मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस को ऊपर जाकर सस्टेन करना होगा ना वहाँ पे फाइनली तो अर्निंग्स चाहिए। मोमेंटम नीचे से आप टेक्निकल बेसिस के ऊपर एंट्री हो सकता है, लेकिन प्राइस जो उसको मोमेंटम फंडामेंटल में रिफ्लेक्शन होने से पहले जो आ रहा है ना वो आ रहा है, मार्केट उसको डिस्काउंट करके चल रहा है कि आने वाले टाइम में शायद उसका अर्निंग्स अच्छा आएगा। माने मार्केट जो सोचकर पहले ही ब्रेकआउट कर लेता है अर्निंग्स आने से पहले, अगर उसी एक्सपेक्टेशन को स्टॉक का अर्निंग्स फुलफिल नहीं करता है तो उसके बाद वो रिवर्सल आ जाता है। प्राइस को ऊपर सस्टेन के लिए अर्निंग्स का सपोर्ट जरूरी है, लेकिन बॉटम फॉर्मेशन के आसपास आप टेक्निकल के थ्रू एंट्री कर सकते हैं क्योंकि पहले ही प्राइस किसी भी अर्निंग्स को डिस्काउंट कर लेता है। इसलिए टेक्निकल बेसिस के ऊपर आप लोअर रेंज के ऊपर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी ट्रेंड को राइड करना है 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर तक वहां पे अर्निंग्स का इंपोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अर्बन ऑप्शन जो कंपनी यहाँ पे अभी तक अर्निंग्स में कुछ रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन अगर प्राइस कुछ दूसरा सोच रहा होगा आने वाले टाइम में इसका अर्निंग्स अच्छा आ सकता है, उसी हिसाब से प्राइस पहले उसको डिस्काउंट कर लेता है एंड जब अर्निंग्स आएगा वहां पे उसी प्राइस वहां पे सस्टेन कर लेगा। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर के पास 46% है, लोअर साइड के ऊपर है। पब्लिक 52%, रेड फ्लैग एक कंसिडर कर सकते हैं। डीआई के पास 1.86, ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर क्योंकि चार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है। आपके स्क्रीन के सामने देखिए अर्बन ऑफशोर का चार्ट सेटअप ओपन हुआ है, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि प्राइस हमेशा से ना एक चैनल को फॉलो करता है, बस आपको चैनल को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर कट देखिए प्राइस यहाँ पे टॉप बना था 2008 में, उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीयर का चैनल चल रहा होगा। अगर आप डीपली चार्ट को स्टडी करेंगे ना हर मल्टीबैगर स्टॉक का, नहीं तो किसी भी स्टॉक अगर आपको 300%, 400%, 500% रिवार्ड दे रहा है ना उसमें एक ही कैरेक्टर रहेगा, मल्टीयर का कंसोलिडेशन। अगर स्टॉक का प्राइस मल्टीयर का कंसोलिडेशन करके उसी रेंज को ब्रेक करता है वहां से बड़ा आउट परफॉर्मेंस आने का प्रोबेबिलिटी है। देखिए जो करेक्शन है ना दो टाइप का है, एक हो गया प्राइस वाइज और एक हो गया टाइम वाइज। अगर एक स्टॉक का प्राइस 5 ईयर्स कंसोलिडेशन कर लेता है तो ये टाइम वाइज करेक्शन हो गया है, वहाँ पे प्राइस करेक्शन करने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइस एक रेंज के अंदर यहाँ पे 5 ईयर्स स्पेंड कर लिया है। नहीं तो प्राइस वहाँ पे 50-70% करेक्शन कर लेगा एंड 2-3 ईयर्स के अंदर कर लेगा। दोनों सेम है, प्राइस वाइज करेक्शन होगा चलेगा, नहीं तो टाइम वाइज करेक्शन होगा चलेगा, उसके बाद जाकर बड़ा मूवमेंट आता है किसी भी स्टॉक का प्राइस में। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को लास्ट 15 ईयर से स्टॉक का प्राइस चल रहा है एंड फाइनली प्राइस यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है एंड अभी तक देखिए इसी रेंज जो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स पैटर्न बना है ना इसी रेंज को ब्रेक नहीं किया है, तो अभी के लिए तो एंट्री यहाँ पे नहीं बन रहा है जब तक कि प्राइस यहाँ पे रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। उसके साथ अभी के लिए तो अर्निंग्स का यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अगर यहाँ पे अर्निंग्स पे कुछ पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने को मिल रहा होगा एंड प्राइस नीचे आ रहा होगा ना उसी केस में प्री अटेम्प्ट इस टाइप का माइक्रो कैप कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ना प्राइस कंफर्मेशन किया है ना कि यहाँ पे अर्निंग्स कंफर्मेशन कर रहा है, दोनों में कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो अभी के लिए न्यूट्रल रहे जब तक कि इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत ही गजब का सेटअप बन रहा है एंड हमेशा से इस टाइप का चार्ट सेटअप ही बड़ा रिवॉर्ड देता है जब भी ट्रिगर बन जाता है। आप जाकर स्विट्जरलैंड का देख सकते हैं, ऑलरेडी स्विट्जरलैंड का हम एनालिसिस किएंगे, स्विट्जरलैंड उसका मल्टीयर का ऑप्ट्रेंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है, वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री करने के लिए आपको एक बेस का जरूरत है। जब भी प्राइस रेस्ट करेगा उसी रेस्ट के अंदर ही एंट्री करना है, जब इस टाइप का जा रहा है ऐसा करके ऐसा ऊपर जाकर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं दिखाता हूं रेशियो चार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्बन ऑफशोर वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट को दिखाता हूं। यहाँ पे भी ना प्राइस एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है एंड एक पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी देखिए कुछ भी साइन नहीं है।
क्लियर कट देखिए डाउन ट्रेंड चैनल मल्टी ईयर का एंड बॉटम के आसपास यहाँ पे उसका काम चल रहा है कंसोलिडेशन का। एक बॉक्स के अंदर देखिएगा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अभी के लिए टच करने की जरूरत नहीं है जब तक कि यहाँ पे राशियो चार्ट को प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे अर्निस का सपोर्ट हो रहा होगा ना तो यहाँ पे इसी ब्रेकआउट के ऊपर हम प्री अटेम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अर्निंग्स का अभी के लिए सपोर्ट नहीं है, उसके साथ यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर का भी कन्फर्मेशन नहीं है, दोनों कन्फर्मेशन नहीं है, तो अभी के लिए वेट एंड वॉच करना बेटर है जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है। लेकिन इस टाइप का सेटअप जो है ना बहुत ही पावरफुल होता है, मल्टी ईयर का डाउन ट्रेंड, एक वेल डिफाइंड डाउन ट्रेंड, रेंज के अंदर कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, वो सबसे पावरफुल है। स्ट्रांग मल्टी ईयर का डाउन ट्रेंड, अकुमुलेशन एंड रेंज ब्रेकआउट, तो यहाँ से बड़ा रिवॉर्ड मिलता है हमेशा से, लेकिन कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए, उसके बाद जाकर बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।